कुछ बच्चे बोले, सारे नहीं बोले। इसलिए मेरे भाई बहनों,
संस्कार ही संसार होता है। तो कहते हैं कि विवेकानंद जी जब छोटे थे तो उनके पिताजी बड़े ऑफिसर थे कोई, तो वो तांगे में बैठ के जाते थे, तांगे में बैठ करके जाते थे। तो छोटे बच्चों को जो दिखा उसमें रुचि होती है तो तांगे को देखते। तो एक दिन विवेकानंद जी के पिताजी ने पूछा कि बेटा तू आगे चलकर क्या बनेगा। बड़े ध्यान से सुना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई बहनों। कि विवेकानंद जी के पिताजी ने पूछा बेटा क्या बनेगा, तो नरेंद्र ने क्या जवाब दिया कि तांगे वाला बनूंगा। क्या बनूंगा? अब तांगे वाला तो उनका नौकर था, वो तो ऑफिसर बड़े प्रोफेसर, तो मायूस हो गए वो। और मायूस हो गए तो बोले अब क्या करें। जब शाम को घर पे आए तो अपनी घरवाली को बोले विवेकानंद जी की मां को कि मैंने इससे पूछा था कि तू क्या बनेगा और ये बोल रहा मैं तो तांगे वाला बनूंगा। तो मां ने कहा इसमें इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? और वो मां मातृ समानार्थी परम गुरु है, मां के समान दूसरा गुरु नहीं होता, क्योंकि मां ही सबसे पहले सिखाती है। तो मां अंदर ले गई थी घर में विवेकानंद जी को कि बेटा क्या बनेगा, बोले तांगे वाला, तो वो इधर आ। और भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था, आपने देखा होगा कई घरों के अंदर, कई घरों के अंदर भगवान श्री कृष्ण का चित्र होता है जिस पे वो रथ चला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पीछे अर्जुन है और उस पर लिखा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभिप्राण धर्मस्य प्राणम सर्वामहम् पितृणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये लिखा हुआ था उस पोस्टर पे।